किसी का घर है क्या भैया? थोड़ा सर हमें ये सूचना मिल रही थी कि थाना किला एरिया में बड़े पैमाने पर सत्यापन, उसी सूचना के आधार पर हम लोग एक टीम गठित की, वहाँ पर हम लोगों ने विजिट किए। यहाँ पर दो व्यक्ति हमें मिले जिनके सत्ता काम कर रहे थे, और उसके अलावा हमें लगभग 35,500 रुपये कैश, कैलकुलेटर्स, मोबाइल फोन्स और भारी मात्रा में जो पर्चियाँ होती हैं वो बरामद हुई थी। उसमें इन लोगों ने काफ़ी ये चीज़ वहाँ जब हम लोगों ने मौका मुआयना भी किया तो देखा कि काफ़ी बड़े पैमाने पर ये चीज़ चेंज हुई। तो आगे भी हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, जिससे कि दूसरी जगह एक अच्छा मैसेज जाए कि पुलिस और ये लोग वापस आकर कार्रवाई में दोबारा लिप्त न हो, शहर में सट्टा ना हो, इसलिए पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? देखिए हम लोग हर जगह एक डायरेक्टली मेरे अंडर में हम लोग ने टीम बना दी है जो कि थानों से अलग काम कर रही है, तो जहाँ भी हमें सूचना मिलती है अकॉर्डिंगली हम लोग वो टीम वहाँ पहुँचती है, देखती है और उसके अलावा उसके बाद हम लोग उसमें रेड करते हैं। सर इसके अलावा जो हम लोगों ने जो थाना इंचार्ज चौकी इंचार्ज लोगों को स्पष्ट आदेश दे दिए हैं, कहीं भी इस तरह की कोई चीज़ पाई जाती है तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। सर ये सट्टेबाज जो हैं ये कहते हैं कि हम साहब चौकी को पैसा देते हैं और ये इसी चक्कर में हमारा बंद नहीं करा सकता कोई। कितना कितना देखिए अब बोलने वाले लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, जैसे ही हमें उसकी सूचना मिलती है हम उन पर कार्रवाई करते हैं, उसके बाद वो क्या बोलते हैं उसका कोई महत्व।